बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश से ऐसी तस्वीरें जिनको देखकर आपको नेताओं के चाल चरित्र और चेहरे पर गुस्सा आएगा, किसानों की बदहाली पर तरस आएगा। आप ये सोचने को मजबूर होंगे कि आखिर हमारे नेताओं के जमीर की ट्यूबलाइट क्यों नहीं जलती। एमपी में किसान आंदोलन गरमाने के बाद 15 दिन में 22 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। एमपी का मालवा हो, बुंदेलखंड हो या फिर निमाड़, हर तरफ से खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। लेकिन शिवराज सरकार के एक मंत्री गोपाल भार्गव कल रिलीज हुई सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का टिकट बेचते दिख रहे हैं। गोपाल भार्गव मध्य प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। उनके जिम्मे किसानों की समस्याएं देखना है, उन्हें सुलझाने की कोशिश करना है। लेकिन इस सबसे बेपरवाह गोपाल भार्गव कल सागर जिले के गाढ़ा कोटा में फिल्म ट्यूबलाइट के टिकट बेच रहे थे। मंत्री जी टिकट बेच रहे थे तो उनके चेले चपाटे भी कैसे पीछे रहते। मंत्री जी को मैंगो जूस पिलाया जा रहा था। मंत्री जी का दावा है कि अपनी टॉकीज में टिकट बेचना का यह काम तो वो 1978 से करते आ रहे हैं। इसे किसानों की बदकिस्मती कहिए कि जब मंत्री जी टिकट बेच रहे थे उसी समय सागर और उसके पड़ोस के छतरपुर जिले में खुदकुशी करने वाले दो किसानों की अर्थियां उठ रही थी। लेकिन मंत्री जी ने उन किसानों के परिवार वालों के आंसू पोंछने के बजाय टॉकीज में टिकटों की बुकिंग को अपना पहला कर्तव्य समझा। कल छतरपुर जिले के जिस किसान रघुवीर यादव ने जान दी, उसका घर मंत्री जी के घर से महज 50-60 किलोमीटर दूर है, लेकिन मंत्री जी ने वहां जाना गवारा नहीं समझा। सुनिए मध्य प्रदेश के पंचायती राज मंत्रालय का ओहदा संभालने वाले गोपाल भार्गव क्या कह रहे हैं। जी भीड़ भाड़ ज्यादा थी तो हमारा बुकिंग वाला जो है बुकिंग क्लर्क परेशान था, तो पहले भी हम टिकट विकट काटते थे, आज हमने टिकट काट दी। मध्य प्रदेश में कर्जे के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। फिलहाल दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट का टिकट बेचते मंत्री गोपाल भार्गव, और दूसरी तस्वीर है किसान के घर की जहां खुदकुशी हुई है। 15 दिन में 22 किसानों ने खुदकुशी की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कर्जे के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या 22 तक पहुंच गई है। कल छतरपुर जिले में रघुवीर यादव नाम के किसान ने आत्महत्या कर ली। सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि किसान अलग अलग वजहों से आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं किसानों के परिवार सरकार के दावों को झुठला रहे हैं। 12 लाख के कर्ज के नीचे दबे किसान रघुवीर यादव ने अपने खेत में ही जहर खाकर जान दे दी। खेती की बढ़ती लागत और फसल का दाम कम मिलने से वो कर्ज के चंगुल में फंसता जा रहा था। सर खेती पे करते थे तो उसमें 2-3 साल से सर घाटा चल रहा था। साहूकारों का देना था कुछ, बैंक का भी। कितना देना था सर? 1.5-2 लाख रुपए सर सोसाइटी का है और साहूकार को सर 8-9 लाख रुपए। घाटा लग गया जो नहीं 8-9 लाख। कैसे लग गया? खेती भाई नहीं। क्या क्या बोया था उन्होंने? उन्होंने पहले सोयाबीन, फिर जवाब। रघुवीर अकेला किसान नहीं है। पिछले 15 दिनों में 22 किसान कर्ज की वजह से अपनी जान दे चुके हैं। पर किसानों की खुदकुशी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपी है वो अलग ही कहानी कहती है। रिपोर्ट में कहा गया है मध्य प्रदेश में खुदकुशी करने वालों में किसानों की तादाद 10% है। ये किसान कर्ज नहीं बल्कि दूसरी वजहों से खुदकुशी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने CID रिपोर्ट के आधार पर ये दावा किया है, पर खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवार इस रिपोर्ट से नाराज हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र बुधनी तहसील में गुआड़िया गांव में किसान शत्रुघ्न मीना ने खुदकुशी की थी। उनका परिवार रिपोर्ट से बेहद नाराज है। कोई ये जो प्रूव कर दे इस गांव के अंदर या लोकल में कोई भी कि जो दारू पीता है तो वो उसकी जो चाहे वो हमको गुनाह सजा दे सकते हो आप। कोई भी एक आदमी बोल दे गांव के अंदर इससे ज्यादा भी कर कदम कौन सा हो सकता है? वो बोला मानवाधिकार के माध्यम से दारू पी के जे मर रहे हैं तो जे तो इससे बड़ी झूठ तो कोई हो ही नहीं सकती। सीहोर जिले के ग्राम जोगड़ा खेड़ी में भी कुछ ऐसी ही कहानी मिली। मृतक किसान विजय सिंह के परिजन रिपोर्ट को झूठा बता रहे हैं। नहीं, वो कुछ खाता पीता नहीं था, दारू वारू कुछ भी नहीं पीता था, कोई भी नशा पत्ता कुछ में भी नहीं था। पारिवारिक विवाद भी कुछ नहीं था, उनके बातें कर्जा था, किसान कर्जा, इसलिए उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। नरसिंहपुर जिले में खुदकुशी करने वाले किसान लक्ष्मी प्रसाद लोधी के घर वालों का दावा है कि नशा बीमारी जैसी बातें फिजूल हैं। कर्जे में भाव है और जी हमें अब है आग लग गई थी हमारे यहाँ में गेहूँ की फसल में, वो जल गई, सब खाक हो गई, जल खाए। अब हमारे जो परिवार स्कूल खोलने वाले हैं, बच्चों पैसा लगा है, ड्रेस पैसा लगा है, सब जो हमारे पास कहाँ से आएगा।
आपको बता दें 6 जून को मंदसौर गोलीकांड के बाद से अब तक मध्य प्रदेश में कर्ज से दबे 22 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। इन तस्वीरों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कल एक आयोग का गठन किया है जो फसल की लागत और उसकी बिक्री को लेकर जरूरी सिफारिशें देगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस तरह मामला ढकने की कोशिशों से किसानों की समस्या का इलाज निकलेगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।